हाय गाइस, सो आई एम शूटिंग फॉर एन एड फिल्म इन मड आइलैंड. तो मड आइलैंड में ये हमारे भैया हैं जो स्पेशली लिट्टी चोखा बनाते हैं, और आज तो सेट पे ही शाम के नाश्ते में हम लिट्टी चोखा खाने वाले हैं. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे ये कर क्या रहे. ये क्या है, ये मसाला होता है ना, सत्तू होता है अंदर भरने के लिए. और इसमें सत्तू में क्या मिला रखा है, अजवाइन और प्याज है. प्याज है, अच्छा. सो दिस इज सत्तू एंड वो आटा है, गेहूँ का आटा, उसको आप इसमें फिल कर रहे हो. और उसके बाद यहाँ पे अंगीठी के ऊपर, हाँ सिगड़ी है यहाँ पे इनकी कोयले वाली प्रॉपर, उसके ऊपर ये लिट्टी ही होती है ना. हाँ लिट्टी. आई गेट वेरी कन्फ्यूज इन लिट्टी चोखा, और लिट्टी कौन सा होता है, चोखा कौन सा होता है. तो क्योंकि बहुत सारे यूनिट मेंबर्स हैं इसलिए दो यहाँ पे इन्होंने सिगड़ी लगा रखी है. ये चोखा है, दिखाओ. वाओ, आलू बैंगन की सब्जी. हाँ ये इसका भी कोई स्टाइल होता है बनाने का, भरते के जैसा बनता है बैंगन, ये नहीं अलग होता है सब्जी टाइप. और उधर क्या है, चटनी टमाटर और मिर्ची. देखो ओ यम, ये कौन सी चटनी है, तीखी. और ये बटर. वाओ, सो गाइस देख रहे हो आप, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है. एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड ऑन सेट राइट नाउ टू हैव दिस अमेजिंग लिट्टी चोखा. ये हाथ से ही कर लेते हो, गरम नहीं लगता है, चिमटा यूज कर लो यार. गिर जाता है नीचे. गिर जाता है नीचे, ओ इसीलिए गरम गरम लिट्टी हाथ से. अपने हाथ दिखाना, ठीक है. अरे वाह, आदत पड़ गई है ना करने की. अच्छा, सो गाइस इससे पहले यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाए, मैं तो अपनी प्लेट लेके खड़ी हो गई हूँ लिट्टी चोखा खाने के लिए. हाँ डालो डालो, बटर डालो यार, मैं बटर खाऊंगी मिट्टी के ऊपर. बिल्कुल कमजोर राजस्थानी लोग दाल बाटी खाते हैं. अभी खा लूं, आई होप इट्स नॉट एज हॉट. इसको खाते कैसे हैं, बस अभी भी बहुत गर्म है. छोटे वाले पीस से स्टार्ट करते हैं. बहुत बढ़िया, थैंक यू. मेरी मॉम बिहार से हैं, बट आज तक उन्होंने कभी घर में लिट्टी चोखा बना के नहीं खिलाया है. तो मम्मी प्लीज कभी घर का भी खिला दो यार. एनीवे गाइस, आज का शाम का नाश्ता करके आगे का शूट करने की एनर्जी आ गई है. सो जाना नाश्ता करते करते, मैं नेक्स्ट चेंज भी करने वाली हूँ. बाय, लव यू ऑल.